वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राहक संतुष्टि के आधार पर भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है HDFC बैंक, ऑप्शन ए सही होगा। तो फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार HDFC बैंक को भारत में ग्राहकों द्वारा नंबर वन बैंक के रूप में चुना गया है। इस सर्वेक्षण के पहले संस्करण में फोर्ब्स ने 23 देशों के सर्वश्रेष्ठ बैंकों को मापने के लिए मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टिका के साथ साझेदारी की थी। मैं आपको बता दूं कि HDFC बैंक भारत के नंबर एक बैंक के रूप में उभरा है और इसमें ICICI बैंक नंबर दो पर रहा है, जबकि SBI को इसमें 11वें स्थान पर रखा गया है। और ग्राहकों के समय सिफारिश और संतुष्टि के साथ साथ 5 प्रमुख विशेषताओं या उप आयामों जैसे भरोसा, नियम और शर्तें, ग्राहक सेवाएं और डिजिटल सेवाओं और वित्तीय सलाह के आधार पर बैंकों को रेटिंग प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए HDFC की बात की गई है तो मैं आपको बता दूँ इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जिसके HDFC बैंक की जो MD है वो है आदित्य पुरी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल रूस के सर्वोच्च राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिससे PM मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च नागरिक पदक ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया था। इससे उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो देश के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूस की बात की गई है तो मैं आपको बता दूँ रूस की राजधानी मास्को, वहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल, वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा देश ADIBF में सम्मानित अतिथि देश होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी सही होगा। तो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत अप्रैल 2019 में आयोजित होने वाले अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में सम्मानित के रूप में एक अतिथि देश होगा। मेले का उद्देश्य UAE की समृद्ध विरासत को उजागर करना, उसकी प्रामाणिकता, आधुनिकता, सादी, इसके साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्पादन को प्रदर्शित करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला माजिद अल अली ये ADIBF के निदेशक हैं और संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करें तो वहाँ की राजधानी अबू धाबी, वहाँ की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, PLPAAQ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन एंड एयर क्वालिटी इनकी PLPAQ इसकी रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट है वो वर्ष 2014 से 2019 के बीच जारी की गई है। इस अवधि के बीच जो भी आंकड़े एकत्रित हुए हैं उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार WHO की दुनिया की 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में वाराणसी की वायु गुणवत्ता तीसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सूचीबद्ध दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत के हैं, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश के हैं। और इसमें देखिए जो कानपुर शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है शिवा रेड्डी, ऑप्शन ए सही होगा। तो तेलुगु कवि
के शिवा रेड्डी को उनकी पक्कीरी ओलिंगटाइन कविता संग्रह के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। मैं आपको बता दूं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा सन 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इसको पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय भाषा में, स्पेशली अगर हम बात करें कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से लिखी हुई साहित्यिक कृति के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1991 में से हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। ठीक है, जो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नजमा अख्तर, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है और अन्य व्यक्ति जिन्हें सरकार के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें से IIT दिल्ली की SM इश्तियाक और फुरकान कमर थे जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ एसोसिएशन के महासचिव हैं। और मैं आपको बता दूं कि मणिपुर जो राज्य है बाकी राज्यपाल नजमा हैपतुल्ला इस यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहले वोटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? यहाँ पर देखिए वोटर पार्क की बात की गई है, यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे या फिर आप अगर वाटर पार्क समझेंगे तो गलत हो जाएगा। वोटर पार्क यानी वोट के उद्देश्य से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है गुरुग्राम, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत का पहला अपनी तरह का वोटर पार्क का उद्घाटन 11 अप्रैल 2019 को गुरुग्राम में हुआ है और इसका जो उद्देश्य है वो मतदाता जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना है। और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन ने विकास सदन भवन परिसर में इस पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने हाल ही में नया क्लाउड प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा गूगल, ऑप्शन सी सही होगा। तो गूगल ने गूगल क्लाउड में एक नया ओपन प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया है और ये उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है और एंथोस उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन को अनमॉडिफाइड मौजूदा ऑन प्रीमाइस हार्डवेयर का सार्वजनिक क्लाउड बनाने की अनुमति भी देता है। यहाँ पर देखिए गूगल की बात की गई तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी की स्थापना सन 1998 में हुई थी, जिसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं और इसके जो वर्तमान में गूगल के CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड से वर्ष 2019 के लिए फेलोशिप प्राप्त किया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है दीपा मलिक, ऑप्शन ए सही होगा। तो रियो पैरा ओलंपिक की रजत पदकीता दीपा मलिक को उनकी प्रेरक उपलब्धियों की मान्यता देने हेतु 2019 के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप की प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था और वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी और वो भारत के नागरिक सम्मान पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार की भी प्राप्तकर्ता रही हैं। ठीक है, जब आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा LSG वैद्यन, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत के जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक LSG वैद्यन को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से सम्मानित किया गया है और उन्होंने भारत और UK के बीच बीमा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। और फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन 13वीं शताब्दी का है और ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो लंदन की वित्तीय केंद्र में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस छवि ने इस साल का वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉडलर, ऑप्शन सी सही होगा। तो एक छोटी लड़की की असहाय रूप से रोने की छवि जिसे उसकी माँ सहित अमेरिकी सेना के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया है उसने प्रतिष्ठित विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार जीता है और रोते हुए बच्चे की तस्वीर दुनिया भर में प्रकाशित हुई और इसके कारण हजारों प्रवासियों को अपने बच्चों से अलग होने की वाशिंगटन की विवादास्पद नीति भी सामने आई जिससे सार्वजनिक आक्रोश भी उत्पन्न हुआ। तो ये जो तस्वीर है वो जॉन मूर ने ली थी, तो इस छवि को वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य की सरकार की 2 योजनाओं को UN पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सही होगा।
तो कौशल विकास और छात्रों को साइकिल के वितरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की दो योजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र के सूचना सोसाइटी पुरस्कारों में प्रतिष्ठित विश्व शिखर सम्मेलन जीता है। दो योजनाएं युवाओं के लिए उत्कर्ष बांग्ला और सबुज सती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल की बात की गई तो मैं आपको बता दूँ इसकी राजधानी है कोलकाता, यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है केशवनाथ त्रिपाठी, यहाँ की लोकसभा से 42 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 294 सीटें आती हैं। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर, तो कल आपसे पूछा गया था जुजाना कैपुटोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है स्लोवाकिया, ऑप्शन बी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस किसने जीती है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैकलरन, ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटेल, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर जरूर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अगर आपको सभी PDF एक साथ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक पिछली माह के टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो इंडस्ट्री में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इसको जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।